पहले हवाई यात्रा फिर गोल्ड का लालच देकर परिचित ने की धोखाधड़ी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में एसपी से की शिकायत। पहले हवाई यात्रा फिर गोल्ड का लालच देकर एक युवक के साथ उसके ही परिचित युवक ने धोखाधड़ी की है। यह धोखाधड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1 भटेरा चौकी निवासी रानू पिता राजेंद्र कुमार माउले 38 वर्ष के साथ हुई है। करीब 7 लाख की धोखाधड़ी होने के बाद पीड़ित ने धोखाधड़ी करने वाले परिचित युवक के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने व उसकी राशि को वापस कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ से मांग की है। हालांकि इसके पूर्व पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की थी। बीएनएन टाइम्स के लिए बालाघाट से दुर्गा शरणागत की रिपोर्ट। भैया अपना नाम बताएं। रानू माउले। क्या करते हैं? बजेगा सो क्या करते हैं? एसपी कार्यालय आए हैं आप, किस समस्या को लेकर आए? सर, एक धोखाधड़ी हुई मेरे साथ। किस तरीके से? गोल्ड बिस्किट पड़ी हुई है आरबीआई में। अच्छा, तो छुड़वाने के लिए 10 लाख रुपए लग रहा है मुझे। अच्छा, मतलब मेरा परिचित ही था। क्या नाम है उनका? योगेश पटले। कहाँ रहते हैं? नागपुर में रहने वाला, वो बालाघाट पे है और नागपुर में वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद पैसे लेके गया यहाँ से, उसमें पेशी करके मुझे ज़रूरत है, मैं 15 मिनट में पैसे दे देता हूँ, रिटर्न हो जाएगा। और ना पैसे दिया और बोल बंद कर दिया, बस टोटल बंद कर दिया। कितने कितने लाख की धोखाधड़ी? करीब करीब वो 7-8 लाख रुपये मैंने शूट किया है। गए तो मेरे कम से कम समझ लीजिए 8-10 लाख रुपये एक्स्ट्रा में नगद में मार्केट से उठा के दे दिए। उसके जो मैंने मेरी पत्नी उसके भी आप में मेरी पत्नी बच्चों से झगड़ा करके वो मेरी पत्नी अलग जबलपुर चली गई मैं के। अच्छा, तो क्या लालच दिया था आपने? लालच ये दिया था कि भाई 15 मिनट में पैसे दूंगा और जो बोलेगा रकम मैं तुमको दे दूंगा, फिर तुम मुझे आराम से लौटा दूंगा। इस टाइप से मुझे एक प्रलोभन दे के पैसे ले गई है। क्या एक साथ पूरे पैसे लिया था उसने? 2 पार्ट में ले गई है और 3 लाख रुपये पहले ही उसने अकाउंट से मेरे जा चुके हैं और फिर भी। अच्छा, इसके पहले भी उसने आपके साथ धोखाधड़ी की थी? कितने की धोखाधड़ी की थी? 3 लाख रुपए पहले उसने अकाउंट से लिया था। किस क्या बोल के लिया? फ्लाइट टिकट बुकिंग के नाम से लिया और मार्क मैंने बाद में बाहर से पता लगा मुझे कि कई लोगों को ये सब चीज़ें दिखा के कई बार फ्रॉड किया हुआ है। और आरबीआई में जब पता किया गया तो वहाँ पे इस टाइप का कुछ है ही नहीं, आरटीआई लगा के जो हमने पता किया। तो पुलिस प्रशासन में भी मैंने कई बार आवेदन दिया, चक्कर काट रहा हूँ, पर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो पुलिस को कहाँ, कौन से थाने में? ऐसे की ऑफिस में मैंने दिया हुआ है, बालाघाट कोतवाली में लगा हुआ है। तो कोई आगे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और मैं खुद इतना प्रताड़ित हूँ कि लोगों को भी झेल रहा हूँ और घर से भी प्रताड़ित, परेशान हूँ। कितना गोल्ड देने की बात कही थी उसने? गोल्ड नहीं देने की बात की, मैं कैश करके अकाउंट में 15 मिनट में पैसे दे दूंगा, इस टाइप से मुझे बोला था। अच्छा, क्या आपसे? गोल्ड की, हाँ, गोल्ड की फ़ोटो भेजा था मुझे और डॉक्यूमेंट में उसने मेरा कस्टम में 7 करोड़ 56 लाख का बिल भेजा मुझे। और एक और चीज़ मुझे भेजा था कि क्या नाम, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लेटर पैड था, वो कॉपी भेजा था कि भाई मेरा जल्द से जल्द गोल्ड को छुड़वाया जाए। मुझे मतलब दिखाया था पर वो मेरे से डिलीट हो गई, पुलिस जाँच करी पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लालच दिया था कि गोल्ड कितने 10 लाख के बदले में कितनी राशि आपको वापस करेगा? उसने मुझे बोला कि तू जो रकम बोलेगा मैं तेरे को दूंगा ताकि तू अपनी समस्याओं से बाहर हो जाएगा, इस टाइप से मुझे बात की। कितने का गोल्ड था? वो करीब करीब 35 से 40 करोड़ का गोल्ड है जो उसने फोटो और व्हाट्सएप पर मुझे बताया और उसको बेचने के बाद उन्हें डिलीट भी कर दिया। उसकी क्या मानसिकता थी ऊपर वाले जानते हैं। आपका परिचय? शिकायत की है क्या आपने? हाँ, मैंने शिकायत में यहाँ पे दिया हुआ है, एसपी ऑफिस में दिया हुआ है, 3 बार 4 बार हो गया और पुलिस। आप क्या काम क्या करते हैं? मेरा बिजली का काम है, ठेकेदारी का काम है, पर मेरा लाइसेंस भी लैप्स हो गया है और मैं आर्थिक तंगी से मैं खुद ही परेशान हूँ, घर से अलग बता रही हूँ। अब आपके साथ न्याय नहीं होता तो क्या करेंगे? हाँ जी, अब मैं वही न्याय की गुहार के लिए मैं लगा हूँ। जल्द से जल्द अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या आगे कदम उठाएंगे आप? मानसिक तौर से प्रताड़ित हूँ, घर में पत्नी बच्चे हैं नहीं और माँ बाप से भी कोई ज़्यादा सपोर्ट है नहीं, कुल मिला के मैं कुछ भी एक्शन ले सकता हूँ मेरे हिसाब से जो मुझे उचित लगे। अब आगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।